मुकेश भाई के घर तक पहुंचाएंगे इनको भाई को। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप सब एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी हम आ गए हैं बस्ती रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमें जाना है रुदौली। गाइज बहुत मेहनत करके गाइज यहाँ पे आ गया हूँ गोरखपुर से। गाइज इतनी भीड़ थी और उसी भीड़ में गाइज मैं मिलने जा रहा हूँ गाइज। तो थोड़ा सपोर्ट करना गाइज, लाइक करना ना भूलना गाइज। तो चलो चलते हैं, अभी यहाँ से हमें जाना है रुदौली। तो चलो देखते हैं रुदौली कैसे पहुँचते हैं। तो चलो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो चलते हैं यहाँ से रुदौली, देखते हैं कैसे जाते हैं गाइस। चलो ब्लॉग में कंटिन्यू जरूर बने रहना। तो गाइस सबसे पहले कुछ खाने पीने के देखते हैं, क्योंकि कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया गाइस, कुछ भी नहीं खाया। रात भर ऐसे बैठे रहा गाइस, सोचा कि ये गाड़ी जाएगी, लेकिन बहुत भीड़ थी तो मैंने सोचा कि चलो सुबह में देखते हैं। तो चलो देखते हैं गाइस अभी क्या खाते पीते हैं, बहुत भूख लगी गाइस। तो चलो कुछ पहले। तो गाइस अभी हम बस्ती स्टेशन के बाहर आ गए हैं। ये देखो गाइस बस्ती, ये देखो गाइस अभी बस्ती स्टेशन के बाहर आ गए हैं। ये देखो गाइस ये गेट है और यहाँ से लेते हैं एग्जिट करते हैं और यहाँ चलते हैं रुदौली। इससे पहले कुछ खाने पीने के देखते हैं गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है खाने पीने के लिए। गाइज स्टेशन के बाहर हमें दिखा एक दुकान और यहाँ पे मिल रहा था पूरी सब्जी और हमने खाया पूरी सब्जी। इसके बाद चलो निकल गए डायरेक्ट रुदौली के लिए। देखो यहाँ से ई रिक्शा से आगे जा रहा था रुदौली, चलते हैं। तो गाइज फाइनली मुकेश सहनी भाई के घर के पास यानी उनके गांव में आ गया हूँ। और ये देखें यानी उनके मोड़ पे आ गया हूँ गाइज, गाँव में घर पे नहीं मोड़ पे आ गया हूँ। ये देखिए उनका यह मोड़ है गाइज, ये देखिए ये मोड़ है गाइज, महाराणा प्रताप तोरड़ द्वार है। यहीं से आपको जाना है 5-6 किलोमीटर अंदर जाना है गाइस, यहाँ से 5-6 किलोमीटर यानी पैदल जाना है गाइस। या कोई जाते आते गाइस बैठ जाते हैं, नहीं तो गाइस पैदल ही जाना पड़ेगा। गाइस अभी आ गया हूँ मुकेश सहनी के यानी मुकेश सहनी भाई के गांव में आ गया हूँ गाइस। और ये देखो हमें एक सुंदर सा मंदिर देखा गाइस, ये देखो बहुत सुंदर मंदिर देखा। और गाइस मैं आते आते भाई गाइस थोड़ा सा दूर चला गया था और फिर मेरे को एक भाई ने बताया कि भाई तुम आगे आ गए हो, आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो गाइस चलो अभी मैंने आ गया हूँ मुकेश सहनी के गाँव में और वहाँ से 4-5 किलोमीटर अंदर पैदल जाना गाइस। तो चलो चलते हैं और डायरेक्ट उनके घर पर मिलते हैं। गाइस अभी देखो हम आ गए मुकेश सहनी भाई के घर और हमें भैया ये कर रहे हैं भाई के घर तक पहुंचाएंगे इनको भाई को। भाई लाइक करना भैया के लिए, एक लाइक देख सकता है गाइस। चलो देखते हैं गाइस मुलाकात होती है कि नहीं, चलो चलते हैं घर। तो गाइस चलो फाइनली मुकेश भाई से लग रहा है मुलाकात हो जाएगी गाइस, इधर ही कहीं है गाइस बुलाए हैं। तो चलो देखते हैं गाइस मुलाकात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो गाइस ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके 10K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करा दो गाइस। तो चलो चलते हैं मुकेश भाई, देखते हैं ढूंढते हैं कहाँ है गाइस। लग रहा है उधर बगीचे में है गाइस, उधर बगीचे में लग रहा है, उधर है लग रहा है। तो चलो चलते हैं उधर ही, चलो उधर ही चलते हैं गाइस। धूप बहुत हो गई गाइस, धूप बहुत है गाइस, कह रही एकदम धूप लग रही है गाइस, लेकिन क्या करें गाइस, मिलना है तो कैसे भी करके मिल के ही जाएंगे गाइस, जब आए हैं तो मिल के ही जाएंगे। तो चलो चलते हैं उधर देखते हैं। हेलो गाइस फाइनली देखो मुकेश भाई से मिल गया हूँ, ये देखो मुकेश भाई है। हेलो नमस्ते, ये इनका जो इंट्रो है गाइस ये कैसे करते हैं थोड़ा सा बता दीजिए। हेलो दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप सब एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस ये है इनका इंट्रो गाइस, ये बहुत ही फेमस है और मैं इतनी दूर से पहली बार किसी यूट्यूबर से मिला हूँ गाइस। ये हैं मुकेश सहनी, इनसे बहुत ही गाइस पूरे रात तक आज खाना नहीं खाया हूँ और पहली बार मिलने आया हूँ गाइस। ये देखो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही दिल को सुकून मिला, मतलब वो इतना दूर से कोई मिलना है, रात भर जग के आए खाना ना खाएं तो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब ट्रेन पे ऐसे ही पड़ा रहा। हाँ होता है, हम भी गए थे मिलने कहीं, आपको शायद आप देखा होंगे मनोज सर से मिलने गए थे और भी काफ़ी सारे फेमस लोगों से मिले थे, जो फेमस नहीं थे उनसे भी मिले थे। तो रात भर जगना पड़ता है, ये सही बात है। आप तो ट्रेन में आए थे, हम तो पूरा बस में पूरा 24 घंटा एकदम पूरा उसमें। मैं यहाँ से आया तो काफ़ी आगे चला गया था, फिर अच्छा भी पता नहीं कहीं और गाँव है
अच्छा फिर से वहाँ से वापस किया, बस वाले ने बोला कि और मुझे पैसा दे यहाँ तक आने की, उसे पैसा दिया फिर यहाँ तक, फिर से ऑटो से आया इधर आगे। अच्छा 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 हाँ। समझ सकते हैं। तो भाई जल्दी से 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दे यार। क्या नाम है आपके चैनल का अभी? आशुतोष ब्लॉग। आशुतोष ब्लॉग्स, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट भाई के चैनल को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आप सभी को सबसे पहले अपने बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग हमको नहीं जानते होंगे। तो मेरा नाम मुकेश सानी, आप लोग तो जान ही होंगे, और हम यूपी के सिद्धार्थनगर ज़िले में गांव देहात में ही रहते हैं। और भाई हमसे मिलने आए हैं, और हमारे यूट्यूब मिलने तो आप लोगों को पता ही चल गया, 1.4 मिलियन की यूट्यूब फैमिली हमारी है। थोड़ा सा इसकी जर्नी के बारे में बताना चाहते हैं। दोस्तों हमारी जो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट होती है वो लगभग 3 साल पहले 3GB रैम 32GB स्टोरेज वाले के फ़ोन के साथ होती है। पहले हम एक दोस्त के साथ गेमिंग वीडियो अपलोड करते हैं, 10 महीने तक उस दोस्त के साथ वीडियो बनाते हैं, ज़रा से भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसके बाद हम एक दूसरे चैनल पर वीडियो बनाने लगते हैं, जो कि अभी गरीब मेस ब्लॉग्स नाम से जाना जाता है, जिस पर दोस्तों मैं 5 महीने तक वीडियो बनाया था। उस समय उस चैनल का नाम था MS गेमिंग। फिर 3 महीने बाद हमारे चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए सारा कुछ क्राइटेरिया कम्प्लीट हो गया था, मतलब 8 महीने में हमारे चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए सारा कुछ क्राइटेरिया कम्प्लीट हो गया था। और उस समय हमारे चैनल का नाम था गरीब एमएस गेमिंग। सर्च में नहीं आ रहा था तो मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया था। और उसके बाद जब मैंने वो वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दिया कि आप सबके प्यार और सपोर्ट से हमारा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, तो वो वीडियो मेरी लाखों में चली गई, वायरल चली गई, और यूट्यूब पर पहली कोई मेरी वीडियो थी जिंदगी की जो वायरल गई थी। और आपको पता होगा भाई कि जब यूट्यूब पर आपकी कोई वीडियो वायरल जाती है पहली बार, खासकर पहली बार, बहुत खुशी होता है। आपके मान लीजिए वीडियो में 200-400 व्यूज हों, अचानक आपकी वीडियो में 1 लाख व्यूज, वो खुशी। और वो भी कोई नॉर्मल वीडियो नहीं, जो 8-10 मिनट का, जिसमें आपका कहीं ना कहीं मेहनत देखे, जिसमें आपकी जीवन शैली शेयर हो, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब समझ सकते हैं आप लोग, और बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होता है। उसके बाद 3 महीने बाद मेरी एक और वीडियो वायरल हुई गूगल एडसन स्पिन से रिलेटेड, वो भी वीडियो मेरी वायरल हो गई। उसके बाद मैंने क्या क्या गेमिंग कैटेगरी को चेंज कर लिया, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखा, मैं हर कोई को यही कहना चाहता हूँ, आप वही चीज़ दिखाइए अपनी ऑडियंस को, जो आपकी यूट्यूब फैमिली, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं छोटा मोटा टैलेंट होता है, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छोटा मोटा टैलेंट होता है, तो वही दिखाइए और कुछ एक्स्ट्रा मत कीजिए, और नॉर्मल रहिए, सिंपल दिखाइए चीज़ों। ज़्यादा अगर दिखावा करेंगे आप तो गलत बात है, देखिए नॉर्मल सिंपल ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और आप अपनी रियलिटी दिखाइए, ऐसा नहीं कि आप अमीर घर में रहते हैं तो फिर दिखाइए नॉर्मल, मतलब मिडिल क्लास या फिर नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं, जो हैं आप वही दिखाइए। और हर किसी को मौका मिलता है यूट्यूब पर वायरल होने का, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो यूट्यूब भी देखता है कौन कितना मेहनत करता है, अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, इम्प्रूवमेंट वगैरह लाते हैं तो ज़रूर सपोर्ट मिलता है। और भाई भी मेहनत कर रहे हैं। तो कितना दिन से आप वीडियो बनाते हैं थोड़ा बताइए? मैं 2 साल से करीब वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, 2 साल से आप बना रहे हैं, और अभी आपके चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं मेहनत है भाई, बिल्कुल 2 साल से बना रहे हैं वीडियो, 2000 सब्सक्राइबर्स के, तो बहुत मेहनत मेहनत की बात है। देखो उतना दूर से मिलने भी आए, भाई कितना दूर होगा यहाँ से आजमगढ़ लगभग? 200-300 किलोमीटर तो होगा। हाँ, 200-300 किलोमीटर ज़्यादा ही है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए, आप लोगों से एक लाइक और एक सब्सक्राइब से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। मैंने पहले ही गेमिंग चैनल ही बनाया था। अच्छा, अभी थोड़ा 3-4-5 महीने से मैंने चेंज कर दिया ब्लॉगिंग, गेमिंग चैनल अब ज़्यादा वो नहीं चलता नहीं है, तो मैंने अब ब्लॉग का ही चैनल खोल लिया है। तो अभी जैसे नाम हमारा भी ज़्यादा सर्च में नहीं आता है, अब थोड़ी थोड़ी जैसे कि अब रेगुलर करने लगा हूँ तो थोड़ा आने लगा है, और इसीलिए मैं सोचा कि चलो मुकेश भाई से मिलते हैं थोड़ा सा, और पहली बार किसी से मिलते हैं थोड़ा सा। हाँ, वो समझ रहे हैं, वो होता है। बढ़िया, भाई के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ, वो इन्हीं से उसे अनबॉक्स कराते हैं भाई, पूरा मतलब पैक नहीं करा पाया हूँ, जल्दी था इसलिए पैक नहीं करा, तो चलो इनको दिखाते हैं कौन सा वो गिफ्ट है। तो भैया ने गिफ्ट को हमारे हाथ में रख दिया है, और चलिए दोस्तों इसको ओपन करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। वैसे तो जब कोई मिलने आते हैं तो ये आस नहीं रहती है कि वो हमसे मिलने आए तो कुछ लेकर आए, आ गए वही बहुत बड़ी बात हमारे लिए। और इसको ओपन करते हैं, और शायद कप है तो नॉर्मल कप तो होगा नहीं, क्योंकि कप है तो नॉर्मल तो होना नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई ने जिस फीलिंग्स का साथ कहा है उस हिसाब से तो नॉर्मल तो होगा नहीं। उरे भाई, कप में तो मैं हूँ। उरे भाई साहब, 1-2-3 कपड़ों, 1-2-3 चैनल का नाम भी है।
भाई साहब ये देखो भाई, यार क्या बोलूं आपको मैं, मज़ा आ गया पूरा एकदम भाई साहब, एकदम गजब दिख रहा अच्छा है। अरे भाई पहली बार हम अपने गांव में देखे हैं किसी के कप पर किसी का फोटो छपा है। हाँ सुने हैं कि कप पर फोटो छप जाता है किसी का, सुने हैं, लेकिन गांव देहात में ये सब नॉर्मल बात नहीं है, किसी के पास भी नहीं रहता, लेकिन बहुत गजब है, एक नंबर भाई, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया भाई। बहुत बहुत थैंक यू भाई, जितना भी थैंक यू कम है यार। इसके लिए एक लाइक तो बनता, सपोर्ट तो बनता है, प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा भाई को, भाई इतना दूर से मिल रहे हैं तो सपोर्ट तो बनता है, और खासकर इतना प्यारा गिफ्ट लाए, इतना प्यारा तोहफा लाए हैं तो सपोर्ट तो बनता है भाई। देख लीजिए आप लोग एक बार, देखिए तो सही, मस्त भाई, मज़ा आ गया भाई, दिल खुश हो गया। चलो अब चलते हैं घर पे चलते हैं, क्योंकि अब काफ़ी थक गया हूँ भाई, पूरी रात सोया नहीं, खाया पिया नहीं, अब चलो चलते हैं यहाँ से, फिर से वापस चलेंगे घर, काफ़ी यहाँ से दूर है यहाँ से, तो चलो 5-6 किलोमीटर अंदर इनका घर है भाई, तो अब यहाँ से चलो 5-6 किलोमीटर फिर से पैदल चलेंगे, और उधर गाड़ी मिल जाएगा आपको, हमारे गाँव में जाइएगा ना, उधर चौराहे साइड ना आपको गाड़ी मिल जाएगा। अरे हाँ ये गाँव देहात में, उधर से आते वक्त आपको गाड़ी नहीं मिलेगा फिक्स है, क्योंकि सुबह सुबह में गाड़ियाँ जाती हैं आती नहीं है। नहीं वहाँ से एक भाई ने मिला था तो उसने अच्छा। छोड़ा यहाँ तक। अच्छा अच्छा, बहुत पूछते पूछते आया हूँ तो कभी उधर गया कभी इधर। अच्छा अच्छा ठीक है, आप जाइएगा हमारे गाँव में, उधर ना 1 किलोमीटर जाएगा तो गाड़ी मिल जाएगा। हाँ हमेशा गाड़ी आती जाती रहती है, आप किसी को कह दीजिएगा तो भी बैठ जाइएगा, हम खुद ही कहते हैं भैया हमको उधर जाना है ना 5-6 किलोमीटर आएगा, हम खुद जाते हैं, तो आपको कैसे कह दे कि नहीं मिलेगा, आराम से जा सकते हैं आप, अगर आप जाइएगा 1 किलोमीटर दूर उधर से आपको मिल जाएगा मेन रोड, नेशनल रोड, नेशनल रोड से आप कहीं पर भी जा सकते हो पूरे इंडिया में, आपको पता ही होगा। हाँ ठीक है, तब जाइए मेहनत करते रहिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। चलो गाइज यहीं पे ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, और चलो चलते हैं अब यहाँ से घर। चलो गाइज अभी हमें मुकेश भाई से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, तो चलो अब चलते हैं घर।